एक कंपनी है, उसमें दो एम्प्लॉयज काम करते हैं, एक कपिल और एक सुनील। दोनों की डिग्री सेम है, दोनों का वॉक भी सेम है, इवन दोनों का एक्सपीरियंस भी सेम है, पर फिर भी कंपनी सुनील को ज्यादा पे करती है, वहीं कपिल को कम। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? तो आप सोचो मत, चलिए हम बता देते हैं। सो द आंसर इज सॉफ्ट स्किल्स। और अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपका करियर एक पेड़ है तो सॉफ्ट स्किल्स उसकी जड़ें हैं। तो आपका करियर तभी बड़ा हो सकता है जब आप उसकी जड़ें मजबूत करो। अगर आपको बड़ा करियर चाहिए तो आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना होगा और उन्हें इनहेंस करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट स्किल्स आर द बैकबोन ऑफ योर हार्ड स्किल्स। तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप सीख गए तो आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने ये सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर ली तो आप हर जगह छा जाएंगे। तो इस लिस्ट की हमारी अगली स्किल होने वाली है मार्केटिंग स्किल्स। और मार्केटिंग स्किल्स ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स में काम आती हो, बिल्कुल नहीं। आप खुद की कैसे मार्केटिंग करते हो, आप खुद को कैसे दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, वो भी एक तरीके से मार्केटिंग का ही पार्ट है। और आज के टाइम में अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको मार्केटिंग करनी जरूर से आनी चाहिए। तो आपको ये भी स्किल खुद में डेवलप करनी चाहिए। तो ये थी हमारी 5 ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें आपको आज के टाइम में जरूर सीखना चाहिए अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब करनी है। तो हमारी अगली स्किल होने वाली है, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या फिर किसी भी नए इनोवेशन के लिए जो सबसे जरूरी स्किल है वो है रिसर्च की स्किल। आज हर कंपनी या फिर बिजनेस उस पोजीशन को ज्यादा प्रेफर कर रही है जिसके पास रिसर्च करने के स्किल हो, क्योंकि आज कंपनीज या फिर बिजनेस की डेटा और इन्फॉर्मेशन टॉप प्रायोरिटीज होती है, और जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली इकट्ठा करके उन्हें एनालाइज कर पाता है वो तो वैल्यूएबल होता ही है। तो अगर आपको भी आज के टाइम में जॉब पानी है तो आपको ये स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए। वही हमारी अगली स्किल होने वाली है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है वो चाहे कुछ भी बात करे बट हमें सुनने में मजा आता है, और उस इंसान का ऐसा कोई भी काम नहीं होता है कि जिसे वो किसी से निकलवाना ना जानता हो। वो सिर्फ बातों से ही अपने किसी भी काम को बना सकता है। आपने अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे, वो इतने ज्यादा फेमस क्यों होते हैं? बस इसी एक स्किल के कारण, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको आज के टाइम में बात करना आता है तो आपको ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर आप अच्छी खासी जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम वहां से जनरेट कर सकते हो। वही बात करते हैं हमारी दूसरे स्किल के बारे में। आपने अपनी डेली लाइफ में ही देखा होगा कि हमें अपने काम, स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल कमिटमेंट का प्रेशर होता है। वहीं अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स ना हो तो आप खुद ही सोच सकते हो ये हमारे लिए कितना बुरा हो सकता है। इससे हमारी काम करने की कैपेबिलिटी भी इफेक्ट होती है, और इसके कारण हम आलसी होते चले जाते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसी वजह से उनका कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जिसका मेन इफेक्ट पड़ता है उनके गोल्स पे, वो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है आपको प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी चाहिए, और ये न सिर्फ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चाहे आप किसी भी फेज में हो लाइफ की, अगर आप स्कूल में हो, अगर आप खुद को स्कूल में मैनेज कर पाते हो तो आप अपने करियर में किसी भी चीज को मैनेज कर लोगे। तो ये स्किल आपको जरूर सीखनी चाहिए। पहली सॉफ्ट स्किल्स होने वाली है लीडरशिप। आज के इस टाइम में आपको अगर कोई सक्सेस का मंत्र पूछे तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, और वो है लीडरशिप। बड़ी बड़ी कंपनीज या बिजनेस ले लो, उनकी सक्सेस के पीछे का सीक्रेट उनके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव की यही स्किल काम करती है। विद विजन, इनोवेटिव आइडियाज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जैसी क्वालिटीज इनकी सक्सेस का मेन रीजन है। वहीं लीडरशिप की जो बेस्ट क्वालिटी होती है कि लीडर स्ट्रेटेजिकली सोचने और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में भी सही डिसीजन लेने के एबल बनाती है, और मेन बात वो एक टीम मैन होता है। और आज के टाइम में एक टीम मैन की कितनी वैल्यू है आपको तो पता ही हो।